सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ आरती भोंकते हुए सामाजिक संगठन के संस्थापक संजीव गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ओम गुप्ता आदि लोगों ने सुदामा चौराहे पर इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों की और आरती फूकी। शाहजहानपुर से आशीष अवस्थी की रिपोर्ट। अभी अर्थी फूक दी, हार दैया स्कूल वाले मर गए, हार दैया स्कूल वाले मर गए। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। अरे हार दैया स्कूल वाले मर गए, अरे हार दैया स्कूल वाले मर गए। अरे अभी बाहर इन लोगों की अर्थी फूक दी स्कूल वालों की, हार दैया स्कूल वाले मर गए। ताज बदल दो। अभी तो यंग आई है। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। राम नाम, प्राइवेट स्कूल वाले, राम नाम सत्य है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। महंगी शिक्षा बंद करो, बंद करो। महंगी शिक्षा शिक्षा के नाम पर डकैती बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पर डकैती बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पर डकैती प्रदर्शन किया है। आज मैंने जो अभी मैंने कचहरी चौराहे पर जो मैंने अर्थी दहन की है, ये मैंने प्राइवेट स्कूल वालों की अर्थी दहन की है। और जो मैंने आज ज्ञापन दिया है वो प्राइवेट जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इनमें जो लूट मची हुई है उनके खिलाफ मैंने ज्ञापन दिया है। मैंने ज्ञापन में मांग की है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले बरसों से कापी किताबों के नाम पर, स्कूल की ड्रेस के नाम पर जो जनता का शोषण कर रहे हैं, आखिर ये कब बंद होगा? पत्रकार बंधुओं, आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, ये हर साल अपनी फीस बढ़ा देते हैं, हर साल बच्चों का कोर्स बदल देते हैं, हर साल बच्चों के गार्जियन से एनुअल फीस लेते हैं। और अभी आपने कल का अमर उजाला देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने प्राइवेट स्कूलों को अनुमति दे दी है कि अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। ये बहुत गंभीरता का विषय है। आखिर अगर शिक्षा महंगी हो जाएगी तो हमारे गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और एक तरफ सरकार कह रही है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इन स्कूलों में, जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इनमें फीस ना बढ़ाई जाए, स्कूल की ड्रेस साधारण हो, जो हम जो गार्जियंस बाजार से कपड़ा लेके सिलवा के अपने बच्चों को पहनाए। और दूसरी चीज, जो कापी किताबें हैं, जो बच्चों का कोर्स है, ये हर दुकान पर मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा था कि एक देश एक शिक्षा, शिक्षा एक समान, बच्चा चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, शिक्षा के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, मैं चाहता हूँ इस शहीदों की नगरी का हमेशा मान बना रहे। जय हिंद, जय भारत।